जादुई मूंगफली का घर। बलराम बहुत ही गरीब इंसान था जो कि अपना पालन पोषण करने के लिए जगह जगह जाकर मूंगफली बेचा करता था। परिवार में उसकी पत्नी और छोटा सा बच्चा रहा करते थे। उसके घर की आर्थिक हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। उसका घर भी टूटा फूटा था जिस कारण ठंड में गुजारा करना बहुत मुश्किल हो जाता था। ऐसे ही एक रात कड़कड़ाती बारिश शुरू हो जाती है और बलराम अपने परिवार के साथ सो रहा होता है। घर टूटा फूटा होने के कारण बारिश का पानी घर में टपकने लगता है और टपकते टपकते हर तरफ पानी ही पानी हो जाता है। तभी उसकी पत्नी की आंख खुलती है और वो बलराम को जगाते हुए कहती है, उठो, ये देखो हर तरफ बारिश का पानी जमा हो गया है, इस ठंड में क्या करूं? अब तो मुन्ना भी रो रहा है। हे प्रभु, रहम कर इस गरीब पर, रहम कर प्रभु, इतनी ठंड में और इस बारिश में अपने इस परिवार को लेकर जाऊं भी तो कहां जाऊं, कुछ तो रहम कर प्रभु, दया कर इस गरीब पर। हे भगवान, अपनी कृपा बरसाओ हम पर, एक तो इतनी गरीबी, ऊपर से एक छोटा बच्चा, कहां जाए हम। तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा। तुम एक काम करो, मुन्ने को लेकर तखत के ऊपर बैठ जाओ और मुन्ने को अच्छे से गोद में ले लो ताकि उसे ठंड ना लगे। मुन्ना ठंड से कांप रहा है और तुम भी इसीलिए तखत के ऊपर बैठ जाओ। अब बारिश बंद होगी, उसके बाद ही कुछ कर सकता हूँ मैं भी। बलराम और इसकी पत्नी दोनों तखत के ऊपर बैठ जाते हैं। बलराम की पत्नी मुन्ने को अच्छे से अपनी गोद में लेती है और दोनों पति पत्नी पूरी रात कपकपाते हुए बिता देते हैं। ऐसे ही सुबह हो जाती है। बलराम किसी तरह से घर में जमा पानी बाहर निकालता है, घर की साफ सफाई करता है और ये सब करने के बाद वो बाजार जाकर मूंगफली बेचता है। तभी बाजार में कुछ लोग एक भिखारी को मार रहे होते हैं। तभी बलराम उस भिखारी का बीच बचाव करते हुए जाता है और उन लोगों से कहता है, अरे आप लोग ये सब क्या कर रहे हैं? अरे कुछ तो दया करो इस बेचारे पर, क्या बिगाड़ा है इसने जो आप लोग इस तरह से इसे मार रहे हो? अरे तुझे नहीं पता, ये मेरी मूंगफली की दुकान से मूंगफली चुरा कर खा रहा था। अरे तो मूंगफली तो खाइए इसने, इसमें मारने वाले क्या बात है? अगर इसके पास पैसे होते तो मूंगफली चुरा कर नहीं खाता बल्कि खरीद कर खाता। कम से कम सामने वाले की हालत देख कर तो अपना हाथ उठाओ। बस कर बलराम, अब इतना भी दयावान मत बन तू, तेरी खुद की हालत इतनी फटीचर है, तू क्या रहम दिली दिखा रहा है? हाँ मैं फटीचर हूँ लेकिन दिल से बहुत अमीर हूँ। मैं आर्थिक रूप से बहुत गरीब हूँ लेकिन तन और मन से लोगों की खूब सेवा करता हूँ, किसी को भी तकलीफ में नहीं देख सकता। तो तू एक काम करना, इसमें जो मूंगफली चुराई है ना उसकी भरपाई तू कर दे। बलराम अपनी जेब से कुछ पैसे निकालता है और उस आदमी को देता है, जिसके बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है। बलराम उस भिखारी को अपनी दुकान पर ले जाता है, उसे बिठा कर खूब सारी मूंगफली देता है, उसे खाने के लिए कहता है। भिखारी भी बड़े ही चाव से मूंगफली खा रहा होता है। ऐसे ही शाम हो जाती है, वो भिखारी पूरा दिन बलराम के साथ बैठा रह जाता है। जैसे ही वो बोलता है वहाँ से जाने लगता है, वो भिखारी भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। तभी बलराम उससे कहता है, अरे भाई क्या बात है, कोई तकलीफ है तुम्हें तो मुझे बता सकते हो, मुझसे जो बन पाएगा मैं उस तरह से तुम्हारी मदद करूँगा। मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है, आज की इस मतलबी दुनिया में तुम जैसे लोग नहीं होते। ये तो आपका बड़प्पन है कि आप मेरे बारे में सोचते हैं। अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? हाँ हाँ बोलो। आप चाहो तो मेरे साथ मेरे घर चलकर रात का खाना मेरे घर पर खा सकते हैं। अरे नहीं, आपने इतना बोल दिया है, यही बहुत है, मैं यही कहीं अपनी रात गुजार लूंगा। अरे नहीं नहीं, आप चलो मेरे साथ मेरे घर। बलराम उस भिखारी को अपने घर ले जाता है जहाँ उसकी पत्नी भी उसकी खूब सेवा करती है, उसे खाना बनाकर खिलाती है। वो भिखारी रात भर वहीं रहता है। ऐसे ही सुबह हो जाती है, वो भिखारी कुछ कहे बिना ही वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद बलराम की आँख खुलती है। बलराम देखता है कि भिखारी है ही नहीं। बलराम थोड़ा दूर घर से जाता है और उस भिखारी को देखता है, मगर बलराम को भिखारी कहीं नहीं मिलता। तभी बलराम की नज़र जमीन पर पड़े मूंगफली के ऊपर जाती है। जैसे ही वो उठाने जाता है, मूंगफली धीरे धीरे बड़ी होती जाती है और इतनी बड़ी हो जाती है कि वो मूंगफली एक जादुई विशाल मूंगफली का घर बन जाती है। ये देख बलराम हैरान हो जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब क्या है। तभी पीछे से वो भिखारी वहाँ आता है और वो भिखारी बलराम से कहता है, बलराम ये तुम्हारा घर है, आज से तुम इसमें ही रहोगे। ये सब क्या है, मुझे कुछ
समझ नहीं आ रहा। तभी वो भिखारी एक देवता का रूप लेता है और बलराम से कहता है, बलराम मैं तुम्हारी इंसानियत और एक भिखारी को लेकर तुम्हारे मन में जो प्रेम भाव था ये देखकर बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। इतनी कठिनाइयों के बाद भी तुमने कभी मेरी प्रार्थना करना नहीं छोड़ा और ना ही कभी लोगों के लिए बैर किया। तुम्हारा प्रेम भाव देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें एक जादुई मूंगफली का विशाल घर बनाकर दे रहा हूँ, जिसके अंदर तुम्हें कभी भी किसी चीज की कोई तकलीफ नहीं होगी। खाने से लेकर पीने से लेकर हर चीजें होंगी इसमें, विशाल मूंगफली का घर। इसमें तुम्हें कुछ सोने और चांदी की मूंगफली भी मिलेंगी, मगर इन सब का कभी गलत उपयोग मत करना। हमेशा उन जरूरतमंदों की मदद करना जो तकलीफ में हो। इतना बोलकर देवता वहाँ से चले जाते हैं। बलराम देवता को प्रणाम करता है, अपने परिवार को लेकर उस विशाल मूंगफली के घर में आ जाता है। और कुछ सोने और चांदी की मूंगफली थी जिन्हें बेचकर बलराम अपना रोजगार शुरू करता है और हर उन बेरोजगार लोगों को काम देता है जिनको काम की जरूरत थी। साथ ही गाँव में बहुत से अनाथ लोगों के लिए आश्रम बनवाता है। ऐसे ही एक दिन बलराम के घर एक गरीब औरत आती है जो कि रोते हुए बलराम से कहती है, बलराम बेटा मेरी मदद करो, मेरी बेटी की शादी होने वाली है और मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं उसकी शादी करवा पाऊँ। पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया बेटा और शादी का दिन नजदीक आ चुका है, मेरी इज्जत संभाल लो बेटा। अरे अम्मा आप चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं करवा दूंगा आपकी बेटी की शादी। आप बस नाच गाने की तैयारी करो और शादी में क्या देना है क्या लेना है वो सब मैं देख लूंगा। खाने पीने की सारी व्यवस्था मैं खुद कर लूंगा माँ, आप चिंता मत करो, आप बस खुशी खुशी अपनी बिटिया रानी को विदा करो। वो औरत बलराम का धन्यवाद करती है और वहाँ से चली जाती है। बलराम भी जोरों शोरों से उस औरत की बेटी की शादी के इंतजाम में लग जाता है और सारी व्यवस्था बलराम खुद ही करता है। और शादी वाले दिन बलराम अपने हाथों से बारातियों को खाना भी परोसता है, उन्हें खिलाता है और इस तरह बलराम खुद एक गरीब लड़की की शादी करवा कर उसे विदा कर देता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर अपना आप बताएं और ऐसी ही मजेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ दोस्तों हमारी अच्छी अच्छी कहानियों को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी ऐसी कहानियों को एंजॉय करने का मौका मिल सके।